कनाडा अमेरिका ब्रिटेन आयरलैंड ब्रिटेन फ्रांस स्पेन पुर्तगाल जर्मनी इटली स्विट्जरलैंड पोलैंड ये जितने देश है सब ये सब यहाँ पर टोटल कितने हो गए सो 30 देश। सोचिए एक देश को जब 30 मिल के मारेंगे तो क्या हाल होगा। एक आज जो लोग यूक्रेन के लिए रो रहे हैं ना इन सालों से पूछिए जब इराक जल रहा था तो कहां थे, जब अफगानिस्तान के लोग जहाज से गिर रहे थे तो कहां थे, कहां थे ये लोग। इनकी वफादारी केवल और केवल छीनल मुर्गा के लिए है। ये बाकी दुनिया को मारेंगे ये हम लिखित देते हैं, आने वाले 100 साल में ये मारेंगे तो मारेंगे पूरी दुनिया को, ये उसमें भारत भी शामिल होगा, लेकिन उस समय तक भारत शक्तिशाली हो चुका रहेगा। अब देखिए नाटो के सदस्य होने के नाते 300 देश की सेना उस देश की जगह को यूज कर सकती है, तो अमेरिका वगैरह अपना सैन्य अड्डा यहीं ले आके बना देता, तुर्की ऑलरेडी नाटो का सदस्य बन चुका है, तो सोचिए रूस तो घिर जाता ना, रूस घिर जाता यहाँ पर। बताइए ये सब लिथुआनिया एस्टोनिया लातविया ये सब पहले रूस के हिस्सा थे, रूस से टूट गया और उसके बाद किसका हिस्सा बन गया नाटो, कितना गड़बड़ बात होगा। अब इधर जापान कैसा है नाटो का, इस साइड में ही जापान है, यहाँ पर उत्तरी कोरिया भी किसका हिस्सा है अमेरिका के अलायंस का हिस्सा, अभी बताओ दक्षिणी कोरिया उत्तरी नहीं दक्षिणी। अब अगर यूक्रेन भी बन जाएगा तो रूस मरने के लिए बना हुआ है, रूस ने कोई गलत काम किया, कोई गलत काम नहीं किया। हत्या और वध में अंतर होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। महाभारत में वध हुआ था, रावण का वध हुआ, यूक्रेन का वध हो रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। राष्ट्र प्रेम के चक्कर में दूरदर्शिता नहीं भूलनी चाहिए। आओ नाटो वाले बचा लो, बचा लिए अर्थव्यवस्था को ढकेल दिया लगभग 50 साल पीछे, और अभी उसको अभी पता भी नहीं है, ये लोग पता नहीं है रूस की चाल। हम लोग हर बात नहीं बता सकते हैं, रूस ने अपनी सीरिया से सैनिकों को बुला लिया है, सीरिया से कहाँ बुला लिया है यहाँ पर, और रूस का एक जगह था चेचन्या, चेचन्या से कहाँ बुला लिया है यहाँ पर। इन दो ऐसे सैनिक है सब जिनको मानवता से कोई मतलब नहीं, ये किसी भी शहर को क्या करते हैं चारों ओर से पहले घेर लेते हैं, जब घेराबंदी कर लेते हैं डबल लेयर की घेराबंदी तो ये लोग पानी सप्लाई वगैरह सब काट के 3 महीना तक इंतजार करते हैं, राशन पानी सब जब खत्म हो जाता है तो एक फिक्स टाइम पर अचानक आके चारों ओर से बम्बार्डमेंट करके खत्म कर देते हैं। इनका कोई मकसद नहीं रहता है कि अंदर मटा रहे, उसको पूरा कंप्लीट सिंधु सभ्यता चाहिए। यूक्रेन को ऐसा लग रहा है ना कि रूस पीछे हट रहा है, रूस पीछे नहीं हट रहा है, उसकी पूरी प्लानिंग है कि मई मिड में 16 से 20 मई के बीच में निपटा उठा के क्या करना है चल देना है, ऐसा मारेगा ना कि अगले 100 साल तक ही किसी काम के नहीं रहे, और रूस दोबारा फिर मारेगा 10 साल बाद, रूस दोबारा फिर मारेगा जब इनकी अर्थव्यवस्था सही होगी, फिर ये खुद बुदाएंगे कि हमें नाटो का सदस्य होना चाहिए, फिर मारेगा। वो होम्योपैथी का दवाई देता है आराम आराम से, नाटो का इलाज करके रख दिया, नाटो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी एक खुराक मिला है, अभी सेकेंड डोज मिलेगा, पहला डोज मिल गया था इसको 2014 में, पहला डोज 2014, दूसरा डोज, अब बूस्टर डोज मिलेगा, बूस्टर डोज कब मिलेगा। जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो आपकी प्लानिंग अगले 50 साल की रहनी चाहिए,